एक्सरसाइज 15.1, ठीक है, सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी, क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, प्रोबेबिलिटी यानी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, ठीक है, इवेंट ई और नॉट ई दोनों क्या हो जाएंगे? कम्प्लीमेंट्री इवेंट। और कम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हो जाएगा 1। प्रॉबर्टी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, ठीक है, ऐसा इवेंट जो नहीं हो सकता, ठीक है, तो ऐसे इवेंट की प्रॉबर्टी क्या हो जाएगी? 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे आप? इम्पॉसिबल इवेंट। प्रॉबर्टी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, ऐसा इवेंट जिसके होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 100% है, उसको होना ही होना है, ठीक है, तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड पॉसिबल इवेंट, सॉरी श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, तो श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ये एलिमेंट्री इवेंट का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर सारे एलिमेंट्री इवेंट किसको कहते हैं? जिसका जो फेवरेबल आउटकम्स हो वो 1 हो, ऐसे इवेंट जिसके फेवरेबल आउटकम्स 1 होते हैं उनको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, उन सभी एलिमेंट्री इवेंट को सम करेंगे तो क्या आएगा? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ, प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है? वो 0 के इक्वल, 0 से बड़ा और 0 के इक्वल, लेस देन और इक्वल टू 1, 0-1 के बीच में रहता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट है भालों से क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये पेज नंबर 300 पे कम्प्लीमेंट्री इवेंट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, यहाँ पे आपने देखा होगा दोनों का सम मिला के क्या आया था? 1, ठीक है। तो ऐसे इवेंट एक दूसरे कम्प्लीमेंट होते हैं, इनको कम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था पेज नंबर 300 रिमार्क में, और इसी पेज पे जो क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है इम्पॉसिबल इवेंट का, जिसका आउटकम क्या आ रहा था? 0। ऐसे इवेंट जिसके फेवरेबल आउटकम्स क्या हो? 0 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, और ऐसे आप इवेंट को क्या बोलते थे? इम्पॉसिबल इवेंट, जिसका अकरेंस इम्पॉसिबल हो। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या था? श्योर इवेंट का, ऐसे इवेंट जिसका फेवरेबल आउटकम जो है टोटल पॉसिबल आउटकम्स के इक्वल हो, यहाँ पे पढ़ा था आपने, श्योर हो, इसका टोटल जो फेवरेबल आउटकम है वो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स के सेम हो जाए, तो ऐसे इवेंट को हम श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट कहेंगे, और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1। इनका अकरेंस 100% होगा। तो ये तीनों समझ में आ गया होगा, आते हैं एलिमेंट्री इवेंट पे, ठीक है। रेंज भी देख लीजिए, तो रेंज देखिए यहाँ पर प्रॉबर्टी इवेंट की क्या रेंज है? 0 से ग्रेटर इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए रिमार्क में एलिमेंट्री इवेंट है एग्जांपल 1 और 2 में, क्योंकि इनके आउटकम्स 1 थे, ठीक है। इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट देन इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। और इनका सम क्या है? एग्जाम्पल 1 में ऑल एलिमेंट्री इवेंट का सम 1, एग्जाम्पल 2 में तीनों एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम 1। तो ये सब हमने पढ़ चुका था, उसी के बेस पे पहला क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, वीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। तो जब ये हमने कॉन्सेप्ट जो हमारा टॉपिक था, पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल अप्रोच, तो वहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट इक्वली लाइकली आउटकम्स का ही हमने पढ़ा था। तो इक्वली लाइकली आउटकम क्या होते हैं? जब किसी एक्सपेरिमेंट में ये सारे आउटकम्स की सेम चांसेस होते हैं अकरेंस के, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, इक्वल हो, तब ऐसे आउटकम को इक्वली लाइकली कहा जाता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट डज नॉट स्टार्ट। तो एक कार को स्टार्ट किया जा रहा है, हमारा इवेंट है कार स्टार्ट हो रहा है और नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो क्या ये आउटकम्स इक्वली लाइकली है? नेक्स्ट,
player attempts to shoot a basketball, she shoot or miss the shot. Sorry, she shot shoots or miss the shot. A trial is made to answer true or false question. Answer is right or wrong. A baby is born, it is boy or girl. तो सेकेंड के जो क्वेश्चन में जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है किसी किसी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है आपके पास उसमें आप आंसर दे रहे हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शन है ट्रू फॉल्स का आप आंसर करेंगे ठीक है तो वो या सही हो सकता है या गलत हो सकता है 50-50% चांस है इक्वल चांस है 1/2 का तो जो ये थर्ड ऑप्शन है ये हमारा इसके आउटकम जो हैं वो ट्रू ये इक्वली लाइकली हैं फोर्थ में बेबी इज बॉर्न इट इज़ बॉय और गर्ल ठीक है बेबी बॉर्न में भी दो ही केस है बॉय कोई भी बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा ठीक है तो यहाँ भी 50-50 चांस है और दोनों की प्रॉबर्टी सेम 1/2 थर्ड फोर्थ हमारा जो एग्जांपल है ये एक्सपेरिमेंट जो है ये एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स है वो इक्वल लाइकली हैं ऐसा हम लिख देंगे ठीक है और फर्स्ट और थर्ड सेकंड में देखिए आप जब कार को स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है तो यदि कार स्टार्ट हो रही है और नहीं हो रही है तो दोनों का इक्वल चांस नहीं है 50-50% या 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है ठीक है तो इसलिए इसके आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होंगे जो इस एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम्स हो रहा है वो दो आउटकम है कार स्टार्ट होना डज नॉट स्टार्ट द कार और कार स्टार्ट ना होना तो दोनों के सेम चांस नहीं है प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल ठीक है एक बास्केटबॉल को शूट कर रहा है तो बास्केटबॉल को शूट करना और उसको मिस करना यहाँ भी दोनों को इक्वल चांस नहीं है ठीक है तो इसलिए इसके आउटकम्स क्या हैं इक्वली लाइकली नहीं होंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम ठीक है तो एक फुटबॉल गेम के बिगनिंग में कौन सी टीम बॉल पहले लेगी ठीक है इसको डिसाइड करने के लिए टॉसिंग अ कॉइन जो है कॉइन को टॉस करना उसे एक फेयर वे ठीक है फेयर वे एक सही तरीका क्यों माना जाता है ठीक है बिना किसी पार्शियलिटी के टॉसिंग कॉइन ये कौन को टॉस करके हम ये डिसाइड करें कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी इसे एक फेयर वे क्यों माना जाता है क्योंकि टॉसिंग कॉइन रीजन क्या है क्योंकि टॉसिंग कॉइन जो है उसे आप कंसिडर करेंगे टू बी फेयर और डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल बिकॉज टॉसिंग अ कॉइन हैव जो एक्सपेरिमेंट हमारा है एक्सपेरिमेंट टॉसिंग कॉइन हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स जो इसके आउटकम होंगे वो इक्वली लाइकली होंगे ठीक है और केवल दो पॉसिबल इसके आउटकम्स हैं हेड और टेल ठीक है और हमारी टीम यहाँ पर टीम कितनी है दो टीम है ठीक है दो पॉसिबल आउटकम्स वो भी अनबायज हैं और इक्वली लाइकली हैं ठीक है इसलिए ये हम वे यूज करते हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा ठीक है इस कर लीजिए और इसके आपको जो आउटकम्स होंगे उनसे हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं दो ही ऑप्शन है हेड या टेल प्रिडिक्शन भी करेंगे तो 50-50% का चांस है ठीक है तो इसके आंसर शीट में पीछे जो रीजन लिखा है ये भी आप लिख सकते हैं जब वेन वी टॉस अ कॉइन वही जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है दैट आउटकम हेड और टेल आर इक्वली लाइकली होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल हैं और टोटल पॉसिबल वे हैं टू हेड और टेल सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टेस्ट इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल तो ये रीजन इसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फोर पढ़िए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसमें कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो सकता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो रेंज मैंने बताया था अभी यहाँ पे
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू वन, जीरो के बराबर है जीरो से बड़ी, एक के बराबर एक से छोटी होनी चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू देखिए 0.7, जीरो से बड़ी एक से छोटी ये डी हो सकता है। 2/3 इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, ये भी वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है और 1 से छोटी है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.66 समथिंग आएगा। ठीक है, दिस वैल्यू आल्सो पॉसिबल 0.7 पॉसिबल। 50% को आप फ्रैक्शन में या पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 आएगा, तो 0 से बड़ी 1 से छोटी, दिस वैल्यू इज़ आल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो तीनों वैल्यू पॉसिबल हो गई, ये नेगेटिव वैल्यू है इसलिए ये वैल्यू ये कैन नॉट बी पॉसिबल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो -1.5 कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ पे। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पढ़िए, पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी है 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दोनों को इक्वल करके क्या आएगा, 1, जो यहाँ पहला क्वेश्चन है। दोनों की प्रोबेबिलिटी इवेंट ई की नॉट ई की दोनों की 1 है, हमें नॉट ई की चाहिए, 1 में से इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, तो 1 में से 0.05 माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 0.95 आ जाएगा। ठीक है, क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज 0.05। ठीक है, हमें मालूम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई किसे डिनोट करते हैं, ई बार से, इक्वल टू 1, तो हो गया 0.05। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.05, तो 0.95। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी वन ली, मैनली टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी लेमन एंड सेकेंड पार्ट इज अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। एक बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडी है। ठीक है, मालिनी ने टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना बैग में देखे उसने एक कैंडी निकाला, तो प्रॉबर्टी किसकी फाइंड करनी चाहिए। पहला पार्ट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी होनी चाहिए, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इसमें है नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इसके आउटकम्स फेवरेबल आउटकम 0 होगा और इसकी प्रॉबर्टी 0। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो इसमें सारे जो लेमन फ्लेवर्ड ही हैं इसका फेवरेबल आउटकम इसी इवेंट का वो क्या होगा, जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं इसके उसके इक्वल ही होंगे, ये श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, इसके होने के जो अकरेंस है वो 100% है, तो इसकी प्रॉबर्टी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट मैंने बोला है वही लिखना है आपको। तो समझ में आ गया है क्यों ये 0 हो रहा है, क्यों ये 1 हो रहा है। ठीक है, जो पॉसिबल इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट का जो रीजन है वो लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो इम्पॉसिबल सॉरी यहाँ पे जो श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट का जो रीजन है वो लिखना है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं आपको, ये लिखना है। ठीक है, तो इवेंट क्या हमारा, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, इसका जो फेवरेबल आउटकम्स इज 0, बिकॉज देर इज नो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, देर इज ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज ऑल लेमन फ्लेवर कैंडी। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम इज 0, सो दिस इज ए इम्पॉसिबल इवेंट, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, लेमन फ्लेवर कैंडी, द इवेंट इज लेमन फ्लेवर कैंडी, इट्स फेवरेबल आउटकम्स इज द ऑल इक्वल टू द सेम ऑल पॉसिबल
आउटकम्स, ठीक है. इट इज़ अ श्योर इवेंट एंड आर सर्टेन इवेंट विच अकरेंस इज 100%. सो प्रॉबलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 1, ठीक है. ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा. तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है. क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए. इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप 3 स्टूडेंट प्रॉबलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992. वट इज़ द प्रॉबलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे. 3 स्टूडेंट के ग्रुप में 2 स्टूडेंट का जो है सेम बर्थडे, सेम बर्थडे, ठीक है, इक्वल जो बर्थडे है इनका, जन्मदिन है, उस ना होने का जो प्रॉबलिटी है 0.992 है, ठीक है. तो वट इज प्रॉबलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे. तो दो स्टूडेंट का सेम बर्थडे होने का क्या प्रॉबलिटी है. तो ये दोनों इवेंट जो हैं, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे एंड हैविंग द सेम बर्थडे, दोनों कम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गए, ठीक. तब एक को ई मानेंगे तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, नॉट ई. एक को इवेंट ई यदि आप कंसिडर करते हैं तो दूसरा इवेंट हो जाएगा नॉट ई, ठीक है. तो वन में से इसको, दोनों का सम वन होगा, वन में से इसको माइनस कर देंगे, तो वन से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.008, ठीक है. तो क्वेश्चन जो गिवन है, इवेंट ही आप मान लीजिए, ठीक है, इसको क्या मान लें हम, क्या गिवन है, स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है. तो इसको इवेंट हमने ही मान लिया है, स्टूडेंट, ठीक है, नॉट हैविंग सेम बर्थडे, ठीक है. और इसकी प्रॉबिलिटी कितनी गिवन है, 0.992, और ठीक है नॉट ई, ठीक, जिसे किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ई बार से, ती हो जाएगा स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, ठीक है. और वी नो दैट पी ऑफ इवेंट ई, पी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल टू 1, देन पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ इवेंट, प्रॉबलिटी ऑफ इवेंट ई 1 माइनस 0.992, तो 0 हो जाएगा 008 आंसर. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है. एक और इसमें प्रॉबलिटी जो है ये 2 स्टूडेंट का है, तो यहाँ 2 स्टूडेंट भी लिखना होगा, 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए. अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, वट इज द प्रॉबलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन इज रेड नॉट रेड. रेड नॉट रेड ये भी कम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गए. एक बैग में 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है, और टोटल बॉल हो गए 8. थर्ड पॉसिबल आउटकम्स हो गए 8 सारे, ठीक है, सारे बॉल्स का इक्वली लाइकली प्रॉबलिटी होगी, इक्वली लाइकली है आउटकम्स. बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रॉबलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन रेड. तो इवेंट हो गया हमारा, ठीक है, बॉल ड्रॉन इज रेड. पहला इवेंट ई मान लीजिए, इवन या इवन, ये ई हो गया, ये नॉट ई हो जाएगा, ठीक है. तो रेड होने की प्रॉबलिटी, फिर वेल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम इज 8, दैट इज 3/8. इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे, जो भी हमने पीछे किया 7 में नॉट ई निकालने के लिए, ठीक है. तो
तो कंप्लीमेंट्री इवेंट फार्मूला यूज़ करेंगे, वन से माइनस करेंगे 5/8 आ जाएगा, और डायरेक्टली भी करेंगे तो भी 5/8 आएगा, हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये कितना है, 3 + 5 = 8, ठीक है। बॉल, अब आते हैं इवेंट, इसको ही मानते हैं। लेट ए बी इवेंट, ठीक है, एक इवेंट मानते हैं ऑफ गेटिंग रेड बॉल, हो गया। और ठीक है, तो उसका फेवरेबल आउटकम्स क्या है, कितने हैं, 3, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स रिलेटेड टू इवेंट ई, फेवरेबल आउटकम्स ठीक है, रिलेटेड टू ई, रिलेटेड टू इवेंट ई इज 3 रेड बॉल है इसमें, तो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं, आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइड बाई जो फॉर्मूला है इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हो गया आपका 3/8, फर्स्ट पार्ट हो गया ये 8 का फर्स्ट पार्ट। 8 का सेकंड पार्ट देखिए, 8 का सेकंड पार्ट हमें चाहिए नॉट ई, ठीक है, ई बार, ठीक है, रेड बॉल नहीं होना चाहिए, नॉट गेटिंग रेड बॉल। इवेंट क्या है, नॉट गेटिंग रेड बॉल, ठीक। पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री वाली फॉर्मूलाज कर लेते हैं, इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 1 माइनस 3/8, तो हो जाएगा 5/8 आंसर, आगे। यदि आप डायरेक्टली भी करेंगे तो जिसके फेवरेबल आउटकम निकालेंगे तो कितने आएंगे, 5, रेड बॉल कितने नहीं है, 5, ठीक है, तो 5/8 5/8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स में 5 रेड 8 वाइट 4 ग्रीन, तो हो गया आपका 17 मार्बल है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, ठीक है, एक मार्बल को बाहर निकाल, मार्बल जानते हैं आपको जो बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे शीशे की गोलियां जो होती है, कंचे बोला जाता है, ठीक है। एक मार्बल उन्होंने निकाला एट रैंडम, तो जो 17 बाय जो इसके टोटल पॉसिबल आउटकम जो हैं वो 17 हो गया, और पहला स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम इज 17, 5 + 8 + 4 इज 17, एंड 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, ये कंडीशन है, रैंडमली होनी चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, तो फर्स्ट इवेंट इज मार्बल इज रेड, ठीक है, सेकेंड इवेंट वाइट नॉट ग्रीन, इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, रेड का 5 और टोटल पॉसिबल होंगे 17, तो इसका आंसर है 5/17,
वाइट जो है मार्बल जो है 8, ठीक है, इसके फेवरेबल आउटकम जो है 8, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/17। नॉट ग्रीन, ग्रीन को छोड़ना है, तो ग्रीन को छोड़ के कितने इसके फेवरेबल आउटकम्स हैं, ये हैं 13, तो 13/17 इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप टोटल पॉसिबल आउटकम लिख सकते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ऐसे मैंने सब कुछ बोल दिया है, आप सुन के ले सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, इनबॉक्स कितना आ जाएगा, ये 5+8+4 दिया जाएगा 17, कितना 17, ठीक है 17 हो गया। अब ठीक है, बॉल मार्बल निकाला जा रहा है, सॉरी बॉल नहीं मार्बल है, तो इसको इवेंट आर ले लेते हैं, ठीक है, मार्बल तो आर आप मान लीजिएगा, मार्बल इज रेड, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, कितने रेड बॉल हैं, यहाँ लिख लीजिएगा फेवरेबल आउटकम्स 5 रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आर फेवरेबल आउटकम्स रिलेटेड टू इवेंट आर और डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये हो जाएगा 5/17, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऐसे हो जाएगा। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। अब आप जो वाइट है, तो मार्बल इज वाइट, ये इवेंट मान लेंगे, ठीक है, और इसका फेवरेबल आउटकम सब लिखेंगे, 8 वाइट मार्बल्स फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, ऑफ इवेंट W, 8 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट W, फॉर्मूला लिख कर 8/17, ठीक। अब नॉट ग्रीन लिखा हुआ है, नॉट ग्रीन, ठीक है, इसको भी आप मान लीजिए जी, या ग्रीन का निकाल के भी फाइंड करते हैं, या ऐसे ही करते हैं डायरेक्ट ग्रीन लेते हैं, नॉट ग्रीन लेते हैं। नॉट ग्रीन का जो आउटकम्स है वो आप लिख लीजिए, 5+8=13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल हो जाएगा, फॉर्मूला लिख कर 13/17, इस तरह से तीनों क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं, तीनों पार्ट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, नाइन का सेकेंड पार्ट है, सो क्वेश्चन नंबर 9 का ये थर्ड पार्ट है, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 करना है।